उत्तर प्रदेश के जो पुराने मुस्लिम लीडर्स हैं और कुछ मौलानाज हैं, उनको आपकी उत्तर प्रदेश में जो आपकी आमद हुई है उससे बड़ी तकलीफ हो रही है, क्या कहना है आप? नहीं, मैं उनकी तमाम की इज्जत करता हूँ और उनको तकलीफ हो रही है तो मेरे पास उनकी तकलीफ की दवा है, वो मुझसे राब्ता कर लें, उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी अगर मुझसे मुलाकात करें। मगर उनको ये देखना है कि जयंत चौधरी के स्टेज पर 10 साल का जमीरुल्लाह एक MLA है, उसको आप धकेल देते हैं। कई ऐसे वीडियोज आ रहे हैं कि बड़े बड़े मुस्लिम नेता है समाजवादी के, उनको पीछे बिठाया जाता है, ये क्यों हो रहा है? हम तो ये बोल रहे हैं कि हिस्सेदारी की लड़ाई MIM पार्टी लड़ रही है, आप हिस्सेदारी की लड़ाई में आप शामिल हो जाइए, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे काम करेंगे। आप बहुत आपने साथ दिया, आप देखिए कितने सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, ठाकुर सम्मेलन होता है। अरे भाई, मुसलमानों की तो कोई अहमियत ही नहीं रही ना उत्तर प्रदेश में, उनकी वोट की वैल्यू की अहमियत नहीं रही। तो इसलिए हम इन तमाम बुजुर्गों से अपील कर रहे हैं कि इन नौजवानों की सरपरस्ती करिए बाप। ये जो नौजवान जो दौड़ रहा है, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा है, आप उन नौजवानों की सरपरस्ती करिए, उनके लिए दुआ करिए, उनके लिए आशीर्वाद करिए, और यकीनन आपको जो तकलीफ हो रही है मेरे पास उसका इलाज है, मुझसे मुलाकात।